लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बेलारूस की तरफ से, यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है रूस। ये बड़ी खबर, बेलारूस में दिखा रशियन मिलिट्री का बड़ा काफिला, शॉट दिखाएं, टैंक, आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस है काफिला। आशीष से मैं चाहूंगा इसके पीआईपी में, आशीष को नहीं सीधे पीआईपी में राहुल। आशीष, ये जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्या बेलारूस फिर से वो पॉइंट है जहां पर ये अपनी पोजीशन को रीग्रुप करके वापस डिस्पर्स करना चाहते हैं फॉर फर्दर अटैक्स? सर्टली, और स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, और स्पेसिफिकली जिस तरह से निशांत आपने मैप में थोड़ी देर पहले समझाया था, एक ऑल प्रॉन्ग अटैक, चाहे वो डोनेस लुहांस की तरफ से हो या फिर बेलारूस की तरफ से हो या फिर ब्लैक सी हो, हर जगह पे एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है जिसका एक्शन बहुत ज्यादा इंपैक्ट ग्राउंड पर दिख रहा है, लेकिन जो फाइनल असॉल्ट होगा वो रीग्रुपिंग और रीऑर्गेनाइजिंग के बाद में होगा। इसीलिए अभी पुतिन की तरफ से जो स्पेसिफिकली फायर पावर प्रोवाइड की जा रही है, जो उनके लड़ाके हैं उनको लिए, ये सारी तरफ से आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या बेलारूस वाला ही अटैक फाइनल अटैक होगा या फिर वो क्यू के लिए एक फाइनल नेल होगा, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखाई दे रहा है कि वो ऑल प्रॉन्ग अटैक रखें, चारों तरफ से रखे, चाहे वो लैंड डोमेन हो, सी हो या फिर एयर हो। और फाइनल अटैक, जाहिर सी बात है कि अभी तक कार्ड नहीं खोले हैं पुतिन ने, जो कीव की तरफ बढ़ेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, अशोक सर के पास मैं आ रहा हूं, नेटो सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा फिनलैंड फाइनली। सो क्या यूक्रेन वाला हाल होगा उसका? पूर्व पीएम का दावा, मई के आखिर तक फिनलैंड भेजेगा एप्लीकेशन। रूस की धमकी का फिनलैंड पर नहीं दिखा कोई असर, रूसी सांसद ने दी थी यूक्रेन जैसे विनाश की धमकी, नेटो ने फिनलैंड को दिया था शामिल होने का इन्विटेशन। ये बड़ी खबर है। यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, यहां पर यूक्रेन के बाद फिनलैंड बड़ी खबर, यह अपने आप में एक सवाल है। और यहां पर नेटो पर रूस को दे रहा है टेंशन, रूस की तबाही की धमकी के बावजूद फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के संकेत दिए। नंबर वन, फिनलैंड के पूर्व पीएम अलेक्जेंडर ने कहा है कि मई के आखिर तक फिनलैंड नेटो में शामिल होने के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट, इससे पहले नेटो चीफ ने खुद फिनलैंड को नेटो में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। नेक्स्ट चेंज करें, रूसी सांसद ने इस हफ्ते कहा था कि अगर फिनलैंड ने यूक्रेन जैसा कदम उठाया तो वहां भी विनाश होगा। मैं चाहूंगा बिग वॉल पर सीधे चलें यहां पर अशोक सर के पास, ये शॉर्ट्स ऑफ ब्रेकिंग के साथ। अशोक सर, फिनलैंड एंड इज इट जस्ट द बिगनिंग? क्या अब और भी लोग इसमें शामिल होंगे? क्या वो कहते हैं ना कि क्या उन्होंने एक ऐसे छत्ते में हाथ डाल दिया है जहां पर सिर्फ नुकसान उन्हीं का होगा, रशिया की? जी नहीं नहीं मेरे विचार से ऐसे बात नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, मैं तो ये समझता हूँ जो जितना नुकसान, चाहे वो उसकी अपनी सक्षमता में हो, चाहे उसकी इमेज में हो, जितना नुकसान रूस को होगा इस, अब जब भी ये जंग खत्म होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और मेरे विचार से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो शायद उनके ये मिसकैलकुलेशन थी, यूक्रेन की मिसकैलकुलेशन थी। मेरे विचार से ये पुतिन की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। उन्होंने जब 24 फरवरी को यहाँ पर अटैक लॉन्च किया तो उन्होंने, पुतिन साहब ने ये समझा होगा, जो जैसे 2014 में हमने क्राइमिया ले लिया है और वहाँ पर जो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं उसके ऊपर हमने अपना कब्जा कर लिया है, तो यहाँ भी पूरे यूक्रेन में भी ये लोग हमको, हम जाएंगे अंदर, हमारे ऊपर फूल बरसाएंगे, चॉकलेट्स देंगे और हमका हमारा स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए, पुतिन इज आउट ऑफ टच विद रियलिटी। अब ठीक है, यूक्रेन में वो कहते हैं भाई यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री एग्जिस्ट करने का कोई राइट नहीं है, ऐसी बात फिनलैंड में तो नहीं है। फिनलैंड तो एक इंडिपेंडेंट स्वाधीन देश है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर वो कुछ कदम उठाना चाहता है। ये और बात है जो उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए, ये मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अभी तक नेटो की सदस्यता को आगे नहीं लेकर गए थे, ना स्वीडन भी लेकर नहीं गया है, परंतु आगे चलते हुए जिस प्रकार का बर्ताव रूस ने किया है, पुतिन ने किया है, और जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स निशांत वहां से निकल कर आ रहे हैं, मेरे विचार से उन्होंने बहुत देशों में ये डर पैदा कर दिया है जो इसके आगे उनकी बारी हो सकती है, इसीलिए उनको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अशोक सर, आप और हमारे साथ जो जनरल साहब हैं, सर आपको सुन के हैरानी होगी,
एक खबर को आज हमने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया, वही रिएक्शन आया रशिया से जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था। डोनेस में रॉकेट अटैक पर रूस का पहला रिएक्शन आ चुका है। रूस ने यूक्रेन पर लगाया रॉकेट अटैक का आरोप। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा शॉट्स के साथ कि यूक्रेन के बयान उकसाने वाले हैं, सिर्फ यूक्रेनी सेना के पास है हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल। शॉट्स दिखाएं यहां पर, ये देखें। और बड़ी मजेदार बात यहां पर, हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के पास जो भी असला है वो रशिया का असला है। तो ऐसा कौन सा असला उनके पास है, बारिंग जो जैवलिन्स और स्ट्रिंगर उनको मिले हैं, ऐसा कौन सा असला है, जो कौन सी मिसाइल है जो रशिया से नहीं ली उन्होंने। रेलवे स्टेशन पर अटैक में 30 लोगों की मौत हो गई थी, यह हमें पता था दिस इज गोइंग टू बी लाइक दैट। रशिया को पता है पोस्चरिंग कैसे की जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।